हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वेक्षा खरे। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग फेस वॉश के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, दैट इज मामा अर्थ टी ट्री फेस वॉश। आज मैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इस फेस वॉश के बारे में पूरा रिव्यू दूंगी। इसका प्राइस, इसके इंग्रेडिएंट्स, ये हमारी स्किन के लिए कैसा है, ये किस स्किन के लिए सूटेबल है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और ये फेस वॉश जो कि मैं यूज करती हूँ, इस चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल अभी भी मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं इसकी प्राइसिंग की बात करती हूँ, तो इसकी प्राइसिंग है 249 रुपीज, जो कि थोड़ा कॉस्टली है। ये कॉस्टली, इसके सभी प्रोडक्ट्स मामा अर्थ के थोड़े कॉस्टली हैं, बट इसमें आपको 20-30% ऑफ मिल जाएगा अगर आप पहली बार या दूसरी बार बाय कर रहे हो। उसके बाद ये अवेलेबल सभी में है, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हर चीज में, आप डायरेक्ट गूगल में भी सर्च करके ले सकते हो इसे। ये स्पेशली फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स के लिए है, ये मेंशन है। देखिए, अगर आपके पिंपल हैं तो ये चले जाएंगे, और अगर नहीं है तो आएंगे नहीं। इसको यूज करना है हमें एक सुबह उठकर और रात में सोने के पहले, वो भी क्लीन फेस में, और हमें अपने फिंगर टिप से जेंटली मसाज करनी है नोज, फोरहेड, चेक्स, चिन। आई का कॉन्टैक्ट नहीं होना इससे डायरेक्ट, क्योंकि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके। और इसके इंग्रीडियंट्स की बात करते हैं, हर इंग्रीडियंट इसका एक नेचुरल इंग्रीडियंट है, तो इसके साइड इफेक्ट्स तो स्किन के लिए बिल्कुल नहीं है। हमें पूरे फेस में इसको वॉश अच्छे से लगाना है, आईज को छोड़कर, क्योंकि आईज हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार यूज करके दिखाती हूँ इसको किस टाइप से यूज करना है। सबसे पहले आपको अपना चेहरा थोड़ा सा गीला करना है, क्योंकि इस फेस वॉश को हमें अपने थोड़े वेट फेस में ही अप्लाई करना है। मैंने कर चुका है, उसके बाद मैं फेस वॉश लूंगी। इतनी क्वांटिटी बहुत है, इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसको हमें फिंगर टिप से चारों जगह लगा लेना है, और फिर हमें फिंगर्स से जेंटली मसाज करनी है अपने चीक्स की, फोरहेड की, नोज की, हर चीज की। इसको ज्यादा टाइट से मत करिएगा, क्योंकि स्किन में इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट तक हमने अच्छे से मसाज कर लिया है। अब जितनी भी हमारे फेस में गंदगी थी वो पूरी निकल जाएगी, और अब हमें इसमें सिर्फ पानी से धुलना है। तो देखिए, मैंने वॉश कर लिया है फेस, और बहुत ही क्लीन दिख रहा है, और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है ये वॉश करने के बाद। इसको आप रात में बस वॉश करके सो जाइए। ये नेचुरल हमारी स्किन वाइटन करता है, और अगर एक्ने और पिंपल्स हैं तो ये बहुत यूजफुल है आपके लिए, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, स्टिल मैं इसे ही यूज कर रही हूँ, और मेरे में बिल्कुल भी पिंपल नहीं आ रहे हैं।
और ये स्किन को बहुत सॉफ्ट भी बनाता है, तो प्लीज आप इसे जरूर यूज करिएगा सुबह और मॉर्निंग में और एक बार रात में सोने से पहले, क्योंकि हमें कभी भी मेकअप लगा कर नहीं सोना चाहिए, वो हमारे स्किन के लिए बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बहुत साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं उसके। हमें स्किन को बिल्कुल ही क्लीन करके सोना है, और उसके बाद आप लोशन लगा के सो सकते हैं जो कि मैंने बताया है, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, गुलाब जल का जो लोशन है। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर मार दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।